再捞！今天在这里。हे गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। दिस इज सोनू गाइज, एक बार फिर से आपका स्वागत है पहाड़ों की इन हसीन और खूबसूरत वादियों से। और आजकल यहाँ पे देखिए, हमारे गांव में गेहूं वगैरह बोए जा रहे हैं। ज़्यादातर खेतों में गेहूं की बुआई हो चुकी है, कुछ खेतों में नीचे की तरफ रह गई है अभी। तो आजकल ना यहाँ पे जो गोबर से बनी हुई खाद होती है उसको खेतों तक पहुँचाया जा रहा है। तो यह है गोबर की बनी हुई खाद, देखिए इसको अभी निकाला जा रहा है। यहाँ से निकालने के बाद खेतों में पहुँचाया जाएगा। ठीक चल रहा है काम? बहुत अच्छा चल रहा है, बढ़िया। हाँ, आज इठानी की मोसर आई है ये। हाँ, इनका मोस आ रहे हैं। हम ऐसे भरते हैं इसको डलिया में, ऐसे किनारे में लगाते हैं ये। ऐसे ऐसे किनारे में लगाए तो डलिया नहीं टूटती है ये। अगर बीच में भरेंगे तो टूट जाएगी वो। किनारे किनारे अच्छे से अगर डलिया को दर्द हो गया, चलते चलते पैर थक गए, पैरों में दर्द तो होगा ही। फिर अब क्या करें, मेरे डलिया बहुत थका दिया आपको। सुबह जब आए हम हलवा बनाया था, अरे वाह। उसके बाद फिर हमने चाय पी, अभी समोसा समोसे खा रखे हैं। पहले हलवा खाओ का। अभी अब बढ़िया बढ़िया, पहले हलवा खाओ, जल्दी जल्दी काम करोगे बोल रहे थे। कर दिया हमने फिर भी इतना ही। तो डलिया भर चुकी हैं जो गोबर की खाद है उससे। बोली जी उठा रही है, बोली जी लगे हैं, ये है जोशी जी, ये है पीमोली जी। अब ये खेतों में पहुंचाई जाएगी खाद। वेट कितना है इसका? इसका 25-26 के आसपास, 30 के आसपास होगा, तो काफी भारी होता है। वहाँ देखिए वो सबसे ज्यादा भारी ले जा रहे हैं। अब आई इनकी बारी। तो अभी ये गोबर से बनी हुई खाद को ले जाया जा रहा है खेतों तक। तो गाइज़ फाइनली हम पहुंच चुके हैं खेत में, और यहाँ पे डाली जाएगी गोबर से बनी हुई खाद ये वाले खेत में। तो ये मौसम कुछ ऐसा है, बादल लगे हुए हैं पूरा। ये खाद आ गई है, अब इसको फैलाया जाएगा। इसमें और खाद भी आएगी या फिर यही? नहीं नहीं, यही खाद, और कुछ नहीं डालते हैं इसमें। अच्छा, उसके बाद आप हमारे घर की ऑर्गेनिक खाद है, इससे ज़्यादा क्या डालते हैं इसमें। कह रहे थे ना पिछले साल हम दारू पिलाते करके। अच्छा। लेकिन पिलाया नहीं, खाली वैसे घर को खाली दे दिया, काम करवा के। हाँ, खाली धोखा दे दिया इन्होंने हमको, धोखा धड़ी में रख दिया इन्होंने हमको। तो इस बार तो हलवा खिलाया इन्होंने। हाँ, हलवा खिलाया, समोसा खिलाए। सब जानी हम यार से मोसा नहीं, दो जानी से मोसा रही। अच्छा, एक बार फिश हो रहा है, एक बार समोसा। अच्छा, ये बता रहे हैं सूजी और समोसा खिलाया इनको। बहुत खवा तो तुम पेट में लगी अटैची वो बिला शहर खाओ, आप यहाँ हो रटा लो, जरूरत नहीं। तो वापस ले जा रहे हैं घास भी घर के लिए। यहाँ से नेहा काट रही है वहाँ पे घास, ताई जी भी काट रहे हैं, नेहा भी, दोनों घास काट रहे हैं। अब इसमें गेहूँ बोए जाएंगे ना, तो खेत को खाली किया जा रहा है। घास काटनी नहीं, गुरु हूँ। अच्छा, आप यो गा खाल कर दे पे जू बोन सन। अच्छा, हो जू बोन सन भी हो तो सुई जा यो अब जू बोन सन थी मैं। भूमि का भूमि सुफल है जाया। तो यहाँ पे खोदे जा रहे हैं अभी गडरी, पहाड़ी गडरी, यानी कि अरबी की एक प्रजाति होती है। अरबी से थोड़ा बड़ी होती है। ये है देखिए अरबी, ये है पहाड़ी अरबी, यानी कि गडरी बोलते हैं इसको पहाड़ी में। काफी अच्छी टेस्टी सब्जी होती है इसकी पहाड़ों में ठंड के दिनों में। मेहनत काफ़ी है इसमें,
मेहनत वाला काम है। अच्छा ये मिल गए इनको खाने के लिए, ये खाने के आज सब्जी बनेगी इसकी। कितने हो रहे हैं गड्ढे भी? इतने ही हो रखे हैं। ज्यादा नहीं हुए? ज्यादा नहीं हुए। कुछ वहाँ पे खोद रहे हैं अभी, थोड़ा बहुत इसमें डाल दिए हैं। थोड़ी इसमें डाल के थोड़ी वहाँ है वो, थोड़ी अभी और है खोदने, खोद रहे हैं हमें। तो इस बार ज्यादा अच्छी फसल नहीं हुई इसकी, इस बार अच्छी फसल नहीं हुई है, ये ऐसे निकल रही है। छोटे छोटे ही है, काफी बड़े होते हैं वरना ये। ये खोद रहे फावड़े से। ये है पहाड़ी मुर्गियां, देखिए आ जा, बहुत तेज है। तो इस खेत में बोई है बरसीम, अभी इसको प्लेन कर रहे हैं ये। बरसीम बुराई में ये का प्लेन करन वाणी वरना पथिल टिबे हदनी में चलो पथिल। अच्छा यहाँ से रास्ता थोड़ा सा धसने वाला है, देखिए इसमें छोटी छोटी मछलियाँ भी हैं, हल्का हल्का पानी है। चलो यहाँ पे खेत जोते जा रहे हैं और बोए जा रहे हैं गेहूँ। अभी मैं हूँ विलेज सीर में, इस तरफ जो पूरा एरिया है ना ये विलेज सीर का है, जो कि उत्तराखंड के बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में है। और शाम का वक्त है, भाई साहब जोत रहे हैं खेत। सही चल रहा है काम? ठीक चल रहा है साहब। ट्रैक्टर से ज़्यादा अच्छा होता है ना बैल से जोतने में? हाँ, ट्रैक्टर से ये कहाँ ऊपर भरी चलता है या नीचे से, यहाँ नीचे कहाँ खोदता हो, कितना गहरा जा रहा है ये। एक ही बार जोतोगे या दो बारा? ये तीसरे बार में गेहूँ बीजेंगे। अच्छा कल को इसमें गेहूँ बीजेंगे, ये दूसरी बार हो रहा है। चल। तो जो गोबर की खाद थी ना उसको बिछाने के बाद इसमें एक बार दूसरी बार जुताई हो रही है अभी। तीसरी बार फाइनल गेहूँ की बुआई होगी फिर इसमें। तो ये काफ़ी पुराना और ट्रेडिशनल तरीका है, धीरे धीरे विलुप्त हो रहा है अब ये। बैल पाल नहीं रहे लोग, ट्रैक्टर आ गए यहाँ पे ज़्यादातर। तो अभी जो हल था ना इसमें से निकाल दिया गया है, अब लगाया जाएगा मोया। जो पहलू से खेत जुतते हैं ना उसका मज़ा ही कुछ और है, ट्रैक्टर में वो बात नहीं है। ये देखिए कभी कभी बैल भाग भी जाते हैं तो परेशान करते हैं, उनको हैंडल करना भी काफ़ी मुश्किल होता है। ये लगाया जा रहा है मोया, इसमें देखिए फिट किया जा रहा है। इसको फिट कर दिया गया है, इसको बोलते हैं जुआ। इसमें फिट करके अब ये लगाया जाएगा मोया, देखिए पट्टा होता है भारी सा। देखिए पूरे जो मिट्टी के बड़े डेले जब तोड़ देता है। चल में दिक्कत हो रही है ना आप लोगों को बल पालने में। हमला और झगड़ा झगड़ाओ फर्क फर्क ये पूरा पीछे वाला हिस्सा प्लेन हो रहा है इससे। मिल हो बैल थक गए क्या? अब थक लेगी ना, रात्री बजे को तो पानी। चल 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 हो चल हो चल हो चल हो। गाइस ये है पहाड़ी बेरी का पेड़, आजकल इसमें बेरी लगते हैं छोटे छोटे, अभी शायद लग नहीं रहे हैं, अब इसमें शुरुआत होगी बेरी लगने की। काफ़ी छोटे होते हैं, खट्टे और मीठे। तो दोस्तों अभी मैं हूँ अपने चाची के घर में। तो ये है पहाड़ी अरबी, इसको लोकल में बोला जाता है पहाड़ी में पिनालू। तो चाची बना रही है आज इसकी सब्जी। पिनाऊ शाह काटनी पिनाऊ जनी हरा बेर जो हरा छा जब सड़ गई के झूड़ल खा ली। अच्छा झूड़ा गो दीमक सब खत्म हो गई, पिनाऊ मेरे को एक दो सुन पो पका लेनो। तो इसकी मूली भी डाल सकते हैं, वैसे काफी अच्छी सब्जी बनती है इसकी। मूली है ही नहीं यार, कब डाल लूं? मूली है नहीं। तो इस तरीके से इसको छीला जाएगा पूरा, इसका छिकल निकालने के बाद इसकी सब्जी बनेगी। वैसे इसको डायरेक्ट उबाल के भी बनाते हैं, जैसे
इसके गुटके टाइप के बनते हैं आलू के गुटके, वो भी काफ़ी टेस्टी होते हैं। नमक के साथ भी आप खा सकते हो इनको उबाल के, बहुत अच्छे होते हैं। तो गाइज आज के इस ब्लॉग को करते हैं यहीं एंड। आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब हिमालयन ग्लाइडर। फिर मिलते हैं आपको एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।